हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई प्रोफेसर कविता ब्राह्मणकर वेलकम्स यू टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग इन सी एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग इन सी ये सब्जेक्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग को है एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के लिए है। दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए हम कॉमन वीडियोस बनाने वाले हैं। सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 1, दैट इज प्रोग्राम लॉजिक डेवलपमेंट, एंड वी विल कवर द टॉपिक 1.1, दैट इज हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। द लर्निंग आउटकम्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, लिस्ट advantages or features of C language, and you will be able to list applications of C language. Then course outcome, that is CO1, will get achieved by this unit, that is after learning this complete first unit, you will be able to develop flow chart and algorithm to solve problems logically. Then program outcome PO1, that is there will be improvement in your specific branch specific knowledge and basic knowledge. Then PO4, you will be able to perform experiments, means you will be able to perform practicals using Turbo C++ software and using various engineering tools like software, computer and computer hardwares, etc. Then PO6 means you will be able to work on small projects in a group or individually. So by doing this, your oral and written communication will get improved. Then PO7, whatever concept you will be learning here, that concept will be with you for lifetime. So PO7 will get satisfied. Now prerequisite means ये टॉपिक पढ़ने के पहले आपको कौन सा नॉलेज होना जरूरी है। तो आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी होना जरूरी है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। नाउ लेट अस सी हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये डेनिस रिची नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किए है। कहाँ पे? तो बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में। और कौन से ईयर में किया है? 1972। सो सी प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेनिस रिची ने इन्वेंट किया है एंड 1972 में इन्वेंट किया है। देन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मस्ट फॉर स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स टू बिकम अ ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेशली व्हेन दे आर वर्किंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डोमेन। मीन्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आना जरूरी है आपको, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वर्क करना है, जॉब करना है, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कुछ आपको बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर बनना है। सो सी प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देन सबसे पहले सी लैंग्वेज किस लिए यूज की गई? कि यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। सो उनमें से यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लिखने के लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज का यूज हुआ। उसके बाद पहले तो बी लैंग्वेज थी, सो बी नाम से कोई लैंग्वेज थी पहले, उसमें कुछ डिफिकल्टीज थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो उन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सी लैंग्वेज आई। सो हम बोल सकते हैं कि सी इज अ सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज। सो दिस इज ऑल अबाउट सी लैंग्वेज। नाउ अब सी लैंग्वेज के फीचर्स और एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? सो इट इज इजी टू लर्न, हम इजीली लर्न कर सकते हैं। इट इज स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, जो कुछ भी हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो कुछ भी प्रोग्रामिंग करते हैं, ये सब स्टेप वाइज होता है, इसमें सिक्वेंशियल मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है। इट प्रोड्यूसेस इफिशिएंट प्रोग्राम्स, यहाँ पे हम ऐसे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं जो कम से कम टाइम में हमको इफिशिएंट आउटपुट प्रोड्यूस करवाते हैं। ओके, देन
इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज, छोटी छोटी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए भी हम सी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं. देन इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स. अगर हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर सी प्रोग्राम रन किया है, लेकिन उसी प्रोग्राम को हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे है उस कंप्यूटर में रन करना चाहते हैं, सो इट इज पॉसिबल. इसीलिए बोला गया है कि इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. देन एप्लीकेशंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग. एप्लीकेशंस मींस व्हाट, कि कौन कौन से एरिया में सी प्रोग्रामिंग का यूज होता है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड बनाने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं. देन लैंग्वेज कंपाइलर्स. कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. तो इस कंपाइलर्स का कोडिंग करने के लिए भी सी लैंग्वेज का यूज होता है. देन असेंबलर्स को राइट करने के लिए भी, इसका कोड जनरेट करने के लिए भी सी लैंग्वेज यूज होता है. देन टेक्स्ट एडिटर जनरेट करने के लिए, टेक्स्ट एडिटर बनाने के लिए भी सी लैंग्वेज का यूज होते हैं. वेरियस फील्ड्स लाइक नेटवर्क ड्राइवर्स, उनका कोडिंग करने के लिए. डेटाबेसिस में यूज होता है. लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स में यूज होता है, मीन्स प्रोग्राम कंपाइल करते हैं एट ए टाइम, पूरा का पूरा अगर हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर. सो इंटरप्रेटर का कोडिंग करने के लिए भी सी लैंग्वेज का यूज होता है. एंड प्रिंट स्पूलर्स. ओके, तो ये प्रिंटिंग का जॉब परफॉर्म करने के लिए स्पूलर्स होते हैं, तो उनका कोडिंग करने के लिए भी सी लैंग्वेज का यूज होता है. सो ऑल दीज आर applications. Now let us see what is program. So program is a set of instruction given to a computer to perform a specific task. Program क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे statements, बहुत सारे instructions लिखे हुए होते हैं, और वो instructions हम किस लिए लिखते हैं, कि computer को कोई request करते हैं, हम computer को कोई काम provide करते हैं. Okay, तो स्पेसिफिक काम, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम. देन कंप्यूटर्स आर बैलेंस्ड मिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. अब हमारा जो कंप्यूटर है, आपको फिजिकली दिख रहा है कि इसमें पूरे हार्डवेयर लगे हुए हैं और उनको असेंबल करके हमने कंप्यूटर बनाया है, लेकिन कंप्यूटर इज अ मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जो हमको फिजिकल पार्ट्स दिखते हैं उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, और जो भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी सॉफ्टवेयर्स लोड हुए हैं हमारे कंप्यूटर्स में, तो ऑल दीज आर द सॉफ्टवेयर्स. देन हार्डवेयर इज जस्ट अ पीस ऑफ मैकेनिकल डिवाइस एंड इट्स फंक्शंस आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ कॉम्पैटिबल सॉफ्टवेयर. मीन्स फिजिकल पार्ट, जो मैकेनिकल डिवाइस हमको दिख रहे हैं, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं. तो उस हार्डवेयर का फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए, उस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं. इसलिए हम बोलते हैं कि कंप्यूटर इज अ मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बाइनरी लैंग्वेज इन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग. सो हार्डवेयर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, हार्डवेयर को एक तो हम चार्ज करते हैं, ठीक है, या फिर वेव्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो समझ में आते हैं हमारे हार्डवेयर को. लेकिन सॉफ्टवेयर को वो कैसे समझ में आएगा, तो उस सिग्नल्स को हमको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और बाइनरी लैंग्वेज मीन्स क्या होती है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ जीरो एंड वन. बहुत सारे जीरोज, बहुत सारे वंस अगर हम कंबाइन करते हैं तो उस लैंग्वेज को बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, और यही लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर को समझ में आती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम. देन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ अ प्रोग्राम यूजिंग सी कंपाइलर इज एग्जीक्यूटेड ऑन अ कंप्यूटर. हम हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होती हैं. तो सबसे पहले यूजर राइट्स प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज. हम एडिटर ओपन करेंगे हमारे टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर का, उसमें हम प्रोग्राम टाइप करेंगे. सो यूजर राइट्स अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, और उस सी लैंग्वेज को हम बोलेंगे हाई लेवल लैंग्वेज. अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है,
इसलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज है. देन द सी कंपाइलर कंपाइल्स द प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट इनटू द असेंबली प्रोग्राम. अब जो भी हमारा सी लैंग्वेज का कोड है वो जाएगा कंपाइलर के पास. कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, वो कंपाइलर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को असेंबली प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा. और असेंबली प्रोग्राम मीन्स लो लेवल लैंग्वेज. सो हमने क्या किया, कंपाइलर का यूज करके हाई लेवल लैंग्वेज को हमने लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया. देन अब असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया ये, फिर ये जाएगा असेंबलर के पास. देन असेंबलर उसको फिर से मशीन कोड में ट्रांसफर करेगा. मशीन कोड इज नथिंग बट अगेन 0 and 1 बाइनरी लैंग्वेज, बट यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है. हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड बोल सकते हैं या ऑब्जेक्ट फाइल बोल सकते हैं, वो क्रिएट होता है. फिर यहाँ पे असेंबलर का काम हो गया, फिर आ गया लिंकर का काम. तो लिंकर क्या है, इट इज अ टूल, इट इज यूज्ड टू लिंक ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम टुगेदर फॉर एग्जीक्यूशन. ओके, सो हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लाइब्रेरीज लिखते हैं वहां पे, वो आपको बाद में समझ में आएगा. ओके, सो हमारे प्रोग्राम के जो भी पार्ट्स है उन पार्ट को लिंक करके कंबाइन करके हम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं. और ये कौन बनाता है, लिंकर, क्योंकि वो लिंक करता है सभी फाइल्स को. ओके, अब हमारा पूरा का पूरा एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड रेडी है. एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड मीन्स जो हमारे सॉफ्टवेयर को समझने वाला है, जो हमारे कंप्यूटर को समझने वाला है, ऐसा कोड रेडी है. अब उस कोड को हम देंगे लोडर के पास. तो लोडर क्या करेगा, उसको मेमोरी में लोड करेगा और देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. सो दीज आर द स्टेप्स. हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे. सोर्स कोड मीन्स यहाँ पे हम लाइब्रेरीज लेते हैं, प्री प्रोसेसर फाइल्स लेते हैं. फिर जो भी हमारा कोड है वो कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है, फिर वो कोड जाता है असेंबलर के पास, असेंबलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर वो ऑब्जेक्ट कोड जाता है लिंकर के पास, और फिर वो मेमोरी में लोड होता है और हमको मिलता है एग्जीक्यूटेबल कोड. सो हाउ सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल. देन सो हम देखेंगे अगर, तो इस तरह से ये लाइब्रेरी फाइल है, हमारी प्री प्रोसेसर फाइल है. इस तरह से हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और प्रोग्राम का नाम और उसको डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करेंगे. ओके, देन वो कंपाइलर के पास जाएगा, फिर असेंबलर के पास जाएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट कोड, देखो सम डॉट ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पे क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट फाइल. देन लिंकर के पास गई ये फाइल एंड देन ये एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हुई. अब हमारी फाइल एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है. तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. सो नेक्स्ट, मोस्ट कंपाइलर्स कौन कौन से यूज में है. सो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एंड फ्री अवेलेबल कंपाइलर्स आर GNU, सी और C++ कंपाइलर. अदरवाइज हम HP और Solaris के भी कंपाइलर्स यूज कर सकते हैं. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++ एंड Java यूज कंपाइलर्स, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक JavaScript, Python, Ruby यूज इंटरप्रिटर. सो अब कंपाइलर और इंटरप्रिटर इनमें क्या डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं. बस हमको इतना ध्यान में रखना है कि कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट. सो नाउ लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर. सो टुडे वी हैव सीन हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, एडवांटेजेस और फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ सी लैंग्वेज. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस टॉपिक्स. एंड इफ यू हैव स्टकिंग समवेयर, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, सो You can reach me on this email ID. Thank you. Keep learning and enjoy learning. Thank you.